हेलो दोस्तों, रूबी किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम जिमीकंद की सब्जी बना रहे हैं, जो बहुत ही सार तरीके से बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ये हमने जिमीकंद को काट लिया है और धो के रख लिया है। ये टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची लेंगे और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, जिसे हम पीसेंगे मिक्सी में और जिमीकंद को फ्राई करेंगे। जिसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है, इसमें तेल डाल लिया है और इसे फ्राई करते हैं। अभी हमने इसे हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे। तब तक हम इन मसालों को पीस लेते हैं। हम कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं पीसेंगे, सारी चीज़ों को साथ में ही पीस लेंगे। इसमें हमने ये जीरा डाल दिया है, ये पीस लेते हैं मसालों को अच्छे से। जिमीकंद को हम धीरे धीरे फ्राई करके सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। मसाला हमारा पिस गया है, जिसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। जिसमें एक चम्मच, छोटा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर 2 छोटे चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। किसी भी मसालों को अलग अलग भूनने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ऐसे बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी, एक ही साथ सब कुछ मिला करके। मैं 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच सॉरी, अब सब्जी बनाने के लिए हमने गैस पर कुकर चढ़ाया है। जिमीकंद थोड़ा हार्ड होता है, इसे हम इसे कुकर में ही बनाएंगे, जिससे कि इसकी सब्जी काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ही यमी बने। इसमें हम अभी तेल डालेंगे। इसमें सारे मसालों को पिसे हुए मसाले में मिक्स कर लिया है। ये जिमीकंद हमारा फ्राई हो चुका है और कुकर में हमने तेल डाल लिया है, जिसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। इसमें एक से दो तेज पत्ते, दो लाल मिर्च, जीरा, मसाले हमारे चटक चुके हैं। अब इसमें जो हमने पीस के मसाला रखा हुआ था वो डाल देंगे। अब इसे अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए। मसाला हमारा भून रहा है, इसमें अभी डालेंगे गरम मसाला। एक छोटा चम्मच डाला है लगभग, और इसे अच्छे से चला लेंगे। मसाले ने तेल छोड़ना छोड़ दिया है, इसे पता चल रहा है कि ये भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जिमीकंद।
हम कुकर में इसलिए बना रहे हैं जिससे कि सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये जिमीकंद थोड़ा हार्ड होता है। आप यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी। जिमीकंद हमने डाल दिया है, इसे अच्छे से चला लेंगे और इसमें हम ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे, जिस तरीके की आप ग्रेवी रखना चाहें उस तरीके से आप डालें। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक पकाएंगे। गाइस हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा बना हुआ है। गाइस देखिए हमारा सब्जी बन गया है और इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे जिससे स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, और हरे धनिया डाल देंगे। इस तरीके से आप सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनी भी है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए गाइस आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।